हाय दोस्तों ये हीट एंड मास ट्रांसफर का लेक्चर नंबर सिक्सटी फोर है और इस लेक्चर में हम फिन की एफिशिएंसी के बारे में जानेंगे और उसके बाद इनफाइनाइट लॉन्ग फिन और इंसुलेटेड फिन एट द टिप इन दोनों के लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो चलिए देखते हैं देखिए ये एफिशिएंसी की डेफिनेशन है तो एफिशियंसी क्या होती है एफिशियसी रेशियो होती है किस किस का एक्चुअल हीट ट्रांसफर्ड बाय द फिन टू द मैक्सिमम हीट ट्रांसफर्ड बाय द फिन लेकिन मैक्सिमम हीट ट्रांसफर के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है कि जो फिन होता है उसकी सरफेस का टेम्परेचर सेम ही होना चाहिए और टेम्परेचर कितना होना चाहिए जितना कि उसकी बेस का टेम्परेचर होता है तो देखिए डेफिनेशन देखते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल हीट ट्रांसफर्ड बाय द फिन टू द मैक्सिमम हीट ट्रांसफर्ड बाय द फिन इफ़ एंटायर फिन एरिया इज मेनटेड एट बेस्ट टेम्परेचर तो मैं आपको अभी इसे समझाता हूँ तो ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया तो ऐसा करते हैं कि इनफाइनइट लॉन्ग फिन के लिए देखते हैं तो एफिशंसी ऑफ फिन इजकल टू एक्चुअल हीट ट्रांसफर बाय द फिन टू मैक्मम हीट ट्रांसफर बाय द फिन तो मैक्मम हीट ट्रांसफर की कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया है कि जो फिन की एंटायर सरफेस का टेम्परेचर वो कितना रहेगा बेस टेम्परेचर के इक्वल तो बेस टेम्परेचर कितना होता है टी नोट तो हम ये कहेंगे कि फिन के सभी पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वो कितना है टी नोट तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो यहाँ से हीट फ्लो होती है कंडक्शन के द्वारा फिन के अंदर वो नहीं हो पाती और यहाँ पर केवल कन्वेक्शन के द्वारा एनवामेंट में हीट डिसिपेट होती है तो मैंने यहाँ पर लिखा है देखो नो हीट फ्लो इन साइड द फिन क्योंकि इसकी सरफेस का टेम्परेचर सारा का सारा समान ही है तो यहाँ पर हीट फ्लो क्यों होगी तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कंडक्शन नेगलिजिबल है जीरो है ओनली हीट ट्रांसफर बाय द कन्वेक्शन तो जो मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र है ये किस तरह से आएगा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग और न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है एच ए डेल टी तो चलिए ऐसा करते हैं कि इनफाइनाइट लॉन्ग फिन के लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं तो क्यों फिन ये तो हमने कैलकुलेट किया था पहले ही अंडर रूट एच पी के ए सी एस इंटू टू नोट माइनस टी ए और मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र कितना आएगा एच ए टी ये क्यों आएगा मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ पर कंडक्शन के द्वारा कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होती केवल और केवल फिन की सरफेस से सारी की सारी हीट कन्वेक्शन के द्वारा एनवायरमेंट में डिसिपेट हो जाती है तो कन्वेक्शन के लिए हमने न्यूटन स्लो ऑफ कूलिंग अप्लाई करना है तो न्यूटन स्लो ऑफ कूलिंग क्या होता है एच ए डैल्टी तो देखो ए क्या है सरफेस एरिया तो फिन का सरफेस एरिया किस तरह से आएगा इसका पैरिमीटर इन इसकी लेंथ तो पी इन एल ये क्या है सरफेस एरिया ऑफ द फिन और टेम्परेचर डिफरेंस तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर टेम्परेचर कितना है टी नोट और यहाँ पर टेम्परेचर कितना है टी ए तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना है टी नोट माइनस टी ए तो मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू कितनी है एच इंटू पी एल इंटू टी नोट माइनस टी ए तो चलिए इसे सोल्व करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा और ऐसा करते हैं कि और H और P को हम अंडर रूट के अंदर लिख लेते हैं तो कितना आएगा एच स्क्वायर पी स्क्वायर और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो एच पी से एच पी की एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पर क्या बचा के ए सी एस अपॉन एच पी देखो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं एच पी अपन के ए सी एस और ये क्या है वन अपॉन एल देखो ये किसकी वैल्यू होती है ये एम की वैल्यू होती है तो इसकी जगह पर हम एम लिख सकते हैं तो एफिशिएंसी ऑफ फिन इजकल टू ये कितना है एम और ये कितना है एल तो कितना आएगा वन अपॉन एम इन एल तो ये इनफाइनाइट लोंग फिन की एफिशिएंसी के लिए फार्मूला है वन ओपन एम एल तो ऐसा करते हैं कि जो इंसुलेटेड फिन होता है उसके लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं एफिशिएंसी तो सबसे पहले तो बेसिक फार्मूला इसके लिए क्या होता है एक्चुअल हीट ट्रांसफर्ड बाय द फिन टू मैक्सिमम हीट ट्रांसफर्ड बाय द फिन इफ़ द एंटायर सरफेस ऑफ द फिन इज मेंटेन्ड एट बेस टेम्परेचर तो एक्चुअल हीट ट्रांसफर कितना होता है ये हमने कैलकुलेट किया है ये होता है अंडर रूट एच पी के ए सी एस टी नोट माइनस टी ए इंटू टेन हाइपरबोलिक एम एल और जो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर है ये सेम ही रहेगा तो ये कितना होता है एच इंटू पी एल इंटू टी नोट माइनस टी ए तो इसे सोल्व करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये अभी अभी हमने सोल्व किया है ये सोल्व करने पर कितना आता है आप देख सकते हो वन अपॉन एम एल तो इसकी जगह पर हम वन ओपन एम एल पुट करेंगे तो एफिशिएंसी ऑफ फिन इजकल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा टेन हाइपरबोलिक एम एल अपॉन एम एल तो ये इंसुलेटेड फिन के लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला है जो थर्ड केस होता है वैन हीट इज लोस्ट बाय कन्वेक्शन एट द टिप उसके लिए एफिशिएंसी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही इससे अगली वाली वीडियो में हम इफेक्टिवनेस ऑफ फिन कैलकुलेट करेंगे और एफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस के बीच रिलेशन भी कैलकुलेट करेंगे तो चलिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में